Dear student, welcome to you online tutorial classes CMG Institute of Education Bankat Motihari class 7. Today I teach you chapter 3 decimal. सबसे पहले जानेंगे decimal होता क्या है. तो decimals, the numbers expressed in decimal forms are called decimals. जो decimals form में number को हम express कर देते हैं उसी को हम decimals कहते हैं. यानी 6.8 एज एग्जाम्पल में 6.8 16.73. उसके बाद डेसिमल प्लेसेज, मान लीजिए कि हम डेसिमल प्लेसेज कितना दिए हैं इसको कैसे जानेंगे. तो नंबर्स और नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज. मतलब डेसिमल पार्ट के पास जितने बाद जितना डिजिट होता है वह नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज दिखाता है. ये इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं आगे. देखिए हम इसके पहले डिफिनेशन आपको लिखवाए थे डेसिमल प्लेसेज. तो नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल प्लेसेज में नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ देखिए 5.74 है. तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, दो डिजिट है. तो इसमें 5.74 है टू डेसिमल प्लेसेज, दो डेसिमल प्लेसेज इसमें है. उसके बाद लाइक डेसिमल, इस नाम से ही हम जान जाएंगे कि लाइक डेसिमल मतलब जो एक जैसा दीजिए उसको हम लाइक डेसिमल कहते हैं. यानी डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल. जिस मतलब जिस डेसिमल में एक जैसा डेसिमल प्लेसेज रहे वो उसी को हम लाइक डेसिमल कहें. यानी दो डिजिट के बाद अगर डेसिमल रहे तो दो डिजिट के बाद ही सब में डेसिमल रहे, तीन डिजिट के बाद रहे तो यानी सब में तीन डिजिट के बाद ही डेसिमल. जैसे देखिए एग्जाम्पल में 6.73 8.05 19.68, ये सब लाइक डेसिमल के एग्जाम्पल हैं. यानी सब में दो डिजिट के बाद डेसिमल, यानी लाइक डेसिमल इसी तरह से हम लिख सकते हैं. अगर लाइक डेसिमल में बदलना होगा तो सब में एक समान डिजिट डेसिमल के बाद प्लेस, समान प्लेस लिखेंगे. अनलाइक डेसिमल, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल. यानी जिसमें अलग अलग डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट रहे, मतलब किसी में दो डिजिट के बाद डेसिमल हो, किसी में एक डिजिट के बाद डेसिमल हो, उसी को अनलाइक डेसिमल कहते हैं. एज में 3.8 25.08 7.235 etc, ये अनलाइक डेसिमल के एग्जांपल हो गए. अब एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में आपका हो जाएगा पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज जीरोज टू द एक्सट्रीम राइट, हो गया ऊपर लिखिएगा आप लोग एक्सट्रीम के बाद एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट, हो गया
यहाँ नीचे के बाद आप लोग ऊपर में लिखिएगा स्ट्रिंग के बाद इसी का डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट में पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज टू द स्ट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, मतलब डेसिमल का कोई भी वैल्यू चेंज, जब राइट साइड में कितना हूँ जीरो हम रख सकते हैं, रखने के बाद उस डेसिमल का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। एज एग्जाम्पल 3.8 एज में 3.8 इसका इसके बाद हम 3.80 लिखते हैं तो उतना ही वैल्यू हुआ, 3.800 लिखते हैं तो उतना ही वैल्यू भाई ईटीसी। अब आप एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3A बना ही लीजिएगा, इसमें का एक्सरसाइज 3A होमवर्क में बना लीजिएगा। 3A बनाने के लिए आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शनल इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको फ्रैक्शन में बदल को दशमलव को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देना है बस, यानी एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहा है एक्सरसाइज 3A। कंप्लीट योर होमवर्क इन फेयर कॉपी, योर होमवर्क विल बी चेक आफ्टर ओपन योर स्कूल।